हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जहां पर 21 साल से लेकर 38 साल तक के स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहां क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं मांगी है, ग्रेजुएशन जो है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम कौन कौन से जो है यहाँ पर पद हैं, योग्यता जो है यहाँ क्या मांगी गई है, सैलरी जो है वो आप लोगों को क्या यहाँ मिलेगी और कैसे आप लोग एप्लीकेशन करोगे, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ध्यान से जो है वो वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहली जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर डीएमसी की है, जहां पर 15 वैकेंसी है। यहां एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट मांगी गई है सोशल साइंस में, या आपने लाइफ साइंस में न्यूट्रिशन, मेडिसिन, हेल्थ मैनेजमेंट, सोशल वर्क या रूरल मैनेजमेंट में अगर आपने क्वालिफिकेशन ली है, ग्रेजुएशन आपने किया है इनमें, तो आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको यहाँ सैलरी जो है वह पर मंथ 35,500 आपको यहाँ पर मिलेगी। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा गया है किसी भी जो है वो सरकारी या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कोई भी काम किया है इनसे रिलेटेड, सोशल वर्क या रूरल मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी काम किया है, मिनिमम जो है वो 3 साल, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी। सेकेंड जो वैकेंसी है वह डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की है, जहां पर 4 पद हैं। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए ताकि आप लोगों की मन में कोई भी सवाल जो है ना रहे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में या बैंकिंग में या फिर इसके सिमिलर डिसिप्लिन में अगर आपने किया है, तो आप लोग यहाँ एलिजिबल हो जाते हो। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इकोनॉमिक्स में या बैंकिंग में, तो आप लोगों को जो है यह प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर इन्हीं सब्जेक्ट में आपने 3 साल तक जो है किसी भी सरकारी या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पर यह है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में या फिर आपने किसी स्कूल में अकाउंटेंसी का भी काम किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। 35,500 जो है आप लोगों को यहाँ सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट, जहाँ 27 पद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी सोशल वर्क, ठीक है, अदर सोशल डिसिप्लिन में, अगर आपने ग्रेजुएशन की है सोशल वर्क में या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आप लोगों को आगे रखा जाएगा, आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर यही मांगा गया है कि एटलीस्ट 3 ईयर, 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपका यहाँ सरकारी या गैर सरकारी, कोई भी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप लोगों ने काम किया हो। 20,800 जो है यहाँ पर आप लोगों को पर मंथ मिलेंगे। डीपीए, यहाँ पर आप लोग अगर ग्रेजुएट जो है सोशियोलॉजी में हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सोशियोलॉजी में हैं लेकिन उनको पता ही नहीं लगता है कि वैकेंसी आती है और निकल जाती है, तो ग्रेजुएट अगर आपने सोशियोलॉजी में किया है या सोशल वर्क में किया है या फिर आपने इकोनॉमिक्स में किया है, रूरल मैनेजमेंट में किया है या एजुकेशन एंड अदर सिमिलर डिसिप्लिन में किया है, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, और साथ में आपने केवल 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस लिया है इन किसी भी जो है वो कामों में, ठीक है, चाहे आपने स्कूल में किया हो, कॉलेज में किया हो या फिर कोई और जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया हो, तो आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई करें। एक सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों को 2 साल का बनवाना होगा। तो यहाँ 20,800 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पर ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन अकाउंट या फिर इसके सिमिलरिटीज अगर कोई सब्जेक्ट में आपने काम किया है, क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। 19,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। लास्ट जो वैकेंसी है जिसमें 17 पद हैं, डीईओ फॉर पीएमएमवीवाई वर्क, यहाँ आपने अगर ग्रेजुएशन की है विद वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर में अगर जो है वो आपने डिप्लोमा डिग्री आपने किया है, आईटी में किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। केवल 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। 10,400 रुपए जो है वो आप लोगों को यहाँ मिलते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है वो कहाँ से रिलीज हुई है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट असम से जो है ये वैकेंसी है और 20 जुलाई को एडवर्टीजमेंट जारी हुई है। कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप सुनिए ध्यान से। मिशन शक्ति फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाजाली, बारपेटा, विश्वनाथ, चारेडियो, ठीक है, ये सारे जो हैं यहाँ के जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मे सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग द लिंक। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यदि आप लोगों को कोई जॉब जो है जिसमें जाना है, तो ये जो एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है www.recruitmentmissionshaktiwcd.com, इस पर आप लोगों को एप्लीकेशन करनी है, अपने जितने भी क्वालिफिकेशन है, अपने एक्सपीरियंस है, यहाँ पर सबमिट कराना है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे करेंगे आप।
डेट जो है वो 20 जुलाई 2023 से लेकर 6 अगस्त तक है। तो आपके पास जो समय है वह है, सॉरी, 22 जुलाई, 22 जुलाई से लेकर और 6 अगस्त तक का जो है वो आप लोगों के पास समय है। ठीक है, आप लोगों को यहीं पर जो है वो एप्लीकेशन करनी है। द लिंक विल बी एक्टिवेट विद इन 2 डेज। जैसे 21 जुलाई, 20 जुलाई को ये एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी हुई है और आपका ये जो लिंक है एप्लीकेशन करने का, ये 2 दिन में यानी अब तक जो है यह हो चुका है एक्टिवेट। तो 2 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट जैसे ही पब्लिश होती है उसके 2 दिन बाद जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा लिंक। तो आप लोग एप्लीकेशन आराम से कर सकते हैं 6 अगस्त तक। यहां पर जो है लिखा है कि द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द वॉक इन इंटरव्यू। टेस्ट नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप लोगों को जो है यहां पर अपनी ईमेल आईडी ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी है, क्योंकि केवल यही जो है इन्होंने बताया है कि ईमेल आईडी से ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। नो सेपरेट कॉल लेटर, अलग से कोई कॉल लेटर नहीं आएगा किसी को भी। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन इन ओनली वन डिस्ट्रिक्ट। एक कैंडिडेट केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करे। द कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम ऑफ 21 ईयर एंड मैक्सिमम ऑफ 38 ईयर। तो 21 से लेकर 38 साल तक के एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है SC ST PWD स्टूडेंट को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 5 साल का जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड क्या क्या करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन किया है अपने सब्जेक्ट में जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ईच पोस्ट के लिए, तो आप वह यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपनी एज प्रूफ सर्टिफिकेट जो है आप लोग यहाँ पर 10th की मार्कशीट जो है वह आप डालिएगा, उसमें एज प्रूफ होता है। वोटर आईडी आप जो है यहाँ पर अपलोड करें, वर्क एक्सपीरियंस अपलोड करना है और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है किसी कास्ट का जो है वो आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि एप्लीकेशन करने का ये जो लिंक है। ठीक है, तो इस लिंक पर जो है वो हम सबसे पहले जो है वो चलते हैं। ये है लिंक, ठीक है, जिस पे आप लोगों को एप्लीकेशन करनी है। आप लोग गूगल पर जो है वो सर्च कर लेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डायरेक्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट असम, असम स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मिशन शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, इसको आप जो है यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद एप्लीकेशन करने का जो पेज है वह ओपन हो जाएगा। वहां आप अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें डिटेल में भर देंगे। तो ऐसे जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन करना है। और तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है। एज जो है यहाँ पर 38 ईयर तक जो है अगर आप हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएट मांगी गई है, जो भी आपके सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सैलरी जो है वो आपको काफी अच्छी यहाँ पर मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को यहाँ पोस्टिंग मिलेगी, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। बाकी और भी जितनी भी वैकेंसी होती हैं सभी जो है जितनी भी मुझे लगता है कि आप लोग जो है वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं तो जरूर मैं लेकर आऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।